हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव एमटीआर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हीरो पैशन प्रो 110 BS6 2020 मॉडल के बारे में। आज मैं इस गाड़ी का रिव्यू करूंगा, इस गाड़ी में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं BS4 के मुकाबले और इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस कितना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, ब्लैक कलर की विंड स्क्रीन के ऊपर यहां पे आपको जो है हीरो का 3D में लोगो मिल जाता है। नीचे की साइड में आप देखोगे तो यहां पे आपको प्लास्टिक में थोड़ी सी डिज़ाइन मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है इसकी जो हेडलाइट अभी नए लुक के हिसाब से। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है नॉन फ्लेक्सीबल इंडिकेटर मिल जाते हैं वाटर कलर में। इसके साथ ही इसकी जो हेडलाइट है, हेलोजन हेडलाइट है, इसमें आपको 35 वाट का बल्ब मिल जाता है। पहले से ज़्यादा आपको जो है इसमें रोशनी मिलने वाली है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दी गई है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों इसके नीचे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूअल कलर फिनिश में आपको जो है येलो एंड ब्लैक कलर में आपको जो है इसका मड गार्डर मिल जाता है। इसमें आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं दोनों साइड में। टायर के साइज़ की बात करूँ तो 80/118 का यहाँ पे आपको टायर साइज़ मिल जाता है। TVS कंपनी के इस गाड़ी में आपको जो है टायर मिलते हैं ट्यूबलेस, कुछ इस टाइप की आपको जो है इसमें टायर में ग्रिप मिल जाती है। दूसरी साइड में चलें तो यहाँ पे आपको IBS का इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का लोगो मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिलता है। नीचे की साइड में इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप फ्रंट या रियर की कोई भी ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपकी दोनों ब्रेक एक साथ काम करती हैं इस गाड़ी में। सबसे बड़ा बदलाव इस गाड़ी में ये हुआ है कि इसकी मीटर गिरारी को यहाँ से हटा के, आगे वाले फ्रंट व्हील से हटा के डायरेक्टली इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता था, इससे आप अब बच गए हैं। तो बात करता हूँ इस गाड़ी के मीटर कंसोल की। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी की चाबी को ऑन कर देता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे गाड़ी के गियर को न्यूट्रल करने की इंडिकेशन की लाइट यहाँ भी आपको मिल जाती है देखने को। इसके साथ 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी मिल जाती है। 30 से 50 का इकोनॉमी जोन भी दे रखा है सबसे ज़्यादा माइलेज पाने के लिए अगर आप चलाते हो तो। इसके साथ ही एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का यहाँ पर आपको मीटर मिल जाता है। और मीटर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो माल फंक्शन की यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। इसके साथ ही साइड स्टैंड की इंडिकेशन की लाइट यहाँ भी आपको मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी की ट्रिप और किलोमीटर यहाँ पे आपको दे रखे हैं इस मीटर में। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ी की फ्यूल इंडिकेशन की लाइट मिल जाती है जो कि ब्लिंक करती हुई नज़र आती है। इसके साथ यहाँ पे आपको जो i3s की बटन भी मिल जाती है। और इसके साथ नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिप और किलोमीटर को एडजस्ट कर सकते हो। इसके नीचे की साइड आप देखोगे तो हैंडल बार पे हीरो की बैचिंग मिलती है। यहाँ पे आपको पासिंग की स्विच मिल जाता है। यहाँ पे गाड़ी की हेडलाइट को स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच भी मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी का सेल्फ मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी की जो बार हैंडल है वो जो है ब्लैक कलर में। तो दोस्तों, इसमें आपको चार कलर का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस कलर का नाम है दोस्तों मून येलो कलर। और सेकंड वाला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, इस कलर का नाम है ग्लेज ब्लैक कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो आपको इन तीनों कलर में कौन सा अच्छा लगा। जो तीसरा वाला जो कलर आपको दिखाई दे रहा है वो है स्पोर्ट्स रेड कलर, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स ही लुक दे रहा है। इसमें आपको चौथा कलर ग्रे भी मिल जाता है, अगर आप उसको भी खरीद सकते हो। बात करूँ इस गाड़ी की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी को लेकर, तो इसमें आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज की बात करूँ तो कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम करती है। बात करूँ इस गाड़ी के इंजन को लेकर तो 113.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC का इंजन मिल जाता है। इसकी पावर की बात करूँ तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है 9.14 PS एट 7500 RPM पे। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 9.79 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM पे। तो इंजन की बात करें तो इस गाड़ी का जो इंजन है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो ब्लैक कलर में इसका जो इंजन मिलता है, यहाँ पे आपको जो है ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल का जो कैप दे रखा है, यहाँ से आप इंजन ऑयल फिल कराते हो। इसके साथ ही इसके जो हेड पे आपको जो है सेंसर दे रखा है कंपनी ने। इसके साथ यहाँ भी आप देख सकते हो स्पार्क प्लग, और यहाँ इसके जो हेड पे साइलेंसर के पास में आपको जो ऑक्सीजन सेंसर भी लगा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो है कैटलिटिक कन्वर्टर मिल जाता है ब्लैक कलर का इसके साइलेंसर पे। इसके साथ ही इसका जो साइलेंसर है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। इसके ब्रेक पैड भी आपको ब्लैक कलर के मिल जाते हैं। इसके बाद जैसा आप देख सकते हो साइलेंसर पूरा का पूरा चेंज है। इसके ऊपर आपको जो है क्रोम की प्लेट मिलती है। जब आप गाड़ी को परचेज करते हो तो इसके फुटरेस्ट जो है आगे और पीछे वाले दोनों के दोनों फ्लेक्सीबल हैं, एडजस्टेबल हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको जो है प्रोग्रामेड FI फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम मिल जाता है। i3s की बैचिंग भी मिल जाती है। इंजन के दूसरी साइड चलते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंजन पूरा का पूरा ब्लैक है। सिंगल हॉर्न मिलता है इस गाड़ी में आपको।
तो इसमें आपको जो है 4-speed गियर मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, 4 gear का ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी में। 110cc की ये गाड़ी है दोस्तों। इसके साथ ही जैसा कि आप देख सकते हो BS6 ये गाड़ी है, इसमें आपको जो है कार्बोरेटर को रिमूव कर दिया गया है BS6 इंजन के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो। अब बात करें इस गाड़ी के चैन सेट के कवर को लेकर, तो यहाँ पे आपको जो है कुछ प्लास्टिक में आपको जो है प्लास्टिक का चैन सेट का कवर मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा टिका हुआ है, बहुत दिन तक चलने वाला है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो 5-step एडजस्टेबल रियर शॉकर मिल जाते हैं क्रोम एंड रेड कलर की फिनिश में, इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है साड़ी गार्ड भी मिल जाता है। चलते हैं इस गाड़ी के दूसरी साइड में आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी आपको 5-step एडजस्टेबल रियर शॉकर मिल जाते हैं रेड एंड क्रोम फिनिश में। इन शॉकर को आप अपने वेट और अपने डिमांड के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे किस्म के शॉकर हैं दोस्तों ये। इसके साथ ही इसके साइलेंसर की बात करूँ तो दोस्तों इसका जो साइलेंसर है वो पहले से चेंज हो चुका है, पीछे की साइड से थोड़ा सा मस्कुलर सा दिखता है। इसके टायर की बात करूँ तो TVS कंपनी के इस गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। साइज़ की बात करूँ तो 80/118 का इसमें भी आपको टायर का साइज मिल जाता है, कुछ इस टाइप की आपको जो है टायर में। बात करें इस गाड़ी के ग्राफिक्स को लेकर तो इसके जो ग्राफिक्स हैं वो बदल दिए गए हैं, बड़े बड़े कॉल्स पे जो है ग्राफिक्स लगे हुए हैं। प्रो का और पैशन का स्टिकर मिल जाता है, प्रोग्रामेड FI का यहाँ भी आपको स्टिकर मिल जाता है, i3S की बैचिंग मिल जाती है, हीरो का यहाँ भी आपको येलो कलर में स्टिकर मिल जाता है, एक येलो कलर की पट्टी भी आपको जो है टेल लाइट की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपको हीरो का स्टिकर मिल जाता है, येलो कलर की जो है फिनिशिंग भी मिल जाती है। इसके साथ ही हीरो का यहाँ भी आपको स्टिकर मिल जाता है, i3S यहाँ भी आपको स्टिकर मिल जाता है। इसके साथ ही जैसा कि आप देख सकते हो पूरे का पूरा ब्लैक फिनिश है इस गाड़ी में, क्रोम का बहुत ही कम यूज हुआ है। इसके साथ ही अगर आप पीछे वाले टेल लाइट की तरफ अगर हम बात करें तो इसकी जो टेल लाइट है वो कुछ ए टाइप से हमें नज़र आती है, कुछ ए टाइप की जो टेल लाइट नज़र आती है। इसके साथ ही नॉन फ्लेक्सिबल शार्प टाइप में आपको जो इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। पीछे का जो मडगार्डर है वो कुछ लंबा सा मिलता है। इसके साथ ही जैसा कि आप देख सकते हो सब कुछ आपको इस गाड़ी में नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे तो मेटल का इस गाड़ी में आपको जो है एक बड़ा सा ग्रैब हैंडल मिल जाता है ब्लैक फिनिश में। इसकी सीट की क्वालिटी की बात करूँ तो स्प्लेंडर और HF डीलक्स से इसकी जो सीट की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों बात करूँ इस गाड़ी के मथुरा ऑन रोड प्राइस उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों अगर आप इसको ड्रम वेरिएंट में परचेज करते हो तो 77,930 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। अगर आप इसको डिस्क वेरिएंट में परचेज करते हो तो 80,392 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मथुरा उत्तर प्रदेश का है। तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों देव MTR चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं।